हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग एक्सेल जो न्यू वर्जन है 2019 का, उसका जो होम टैब, जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है हर एक एक्सेल के वर्जन में, चाहे 2019 हो, 16 हो और 2013 हो, कोई भी हो, तो उसमें होम टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इफ़ यू आर एक्सेल यूज़र, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग ऑन अ एक्सेल सॉफ्टवेयर, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं इसी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल है जिस जाके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो उसका अपडेट्स मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्सेल 2019, ओके, आप देख सकते हैं ये एक्सेल 2019 है, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ एक्सेल 2019। अब यहाँ पे ये सारे टैब सेम है आपको, जो 2016 में मिलते हैं, 2013 में मिलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे फाइल में भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे सेम ही ये जैसा उसमें रहता है आपका 13 में, वैसे ही आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या लेते हो, ब्लैंक वर्कबुक लेते हो। ओके, ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू एंड हेल्प है। होम टैब पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है क्लिपबोर्ड, सबसे आसान सा ऑप्शन होता है, ये सब में कॉमन रहता है, कट कॉपी एंड पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन रहता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये शीट लेते हैं जिसमें मैंने थोड़ा ग्रेड करके रखा है। अभी यहाँ पे ये जो ए है, बी है, इसके ये जो पूरा डेटा है ए का, ये आपको कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है सेम। तो आप क्या करोगे, ये पूरे लेवल को क्या करोगे, ये जो फिफ्थ आपकी जो रो है इसको आप करोगे कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद नीचे आप क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर दोगे आप, पेस्ट। तो यहाँ से आप देखोगे कि वो हो गया कॉपी और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, पेस्ट। उसके बाद कट पेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे ये जो बी वाला जो रो है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे रखना, मतलब यहाँ से परमानेंटली हटाना है। कॉपी पेस्ट मतलब क्या, वहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, एंड कट पेस्ट मतलब यहाँ से हटा के डायरेक्ट नीचे। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीजिए कट, नीचे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या कर देंगे आप, पेस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो कट होके नीचे हो गया है वो यहाँ पे पेस्ट। तो ये था आपका कट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, जो जैसा था वापस आकर आपको करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको अंडू का, कंट्रोल जेड उसका ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं बी जैसा था वो अपनी जगह पे आ चुका है। अब वापस एक और बार क्लिक करेंगे तो ये ए भी हट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपने इसको कॉपी एंड पेस्ट किया था, सी हट चुका है। ठीक है, तो ये था अंडू और ये था क्लिपबोर्ड का पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया, आपको ये टेबल को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग्स है ना, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, टोटल, ये आपको इधर चाहिए। ठीक है, और ये जो सारे नाम है ना वो आपको यहाँ पे कॉलम्स में चाहिए, समझ में, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। तो इसको कैसे करना है, देखिए बहुत आसान है, मैं बाजू में करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कर दीजिए कॉपी, क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ से आपको क्लिक करना है ट्रांसपोज एंड ओके करना है। और जैसे ही आप ओके कर देंगे ट्रांसफर करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो यहाँ पे हेडिंग्स है, ठीक है, ये सारे जो हेडिंग्स है वो आपके आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आपके जो ये जो हेडिंग्स है, आपके जो नाम है, वो आपके यहाँ पे कॉलम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये रोज वाला कॉलम्स में, कॉलम्स वाला रोज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक से फंक्शन है। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेट पेंटर, तो वो मैं बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने इसको एक कलर दे दिया है, ठीक है ना, बहुत बेसिक से एग्जांपल बता रहे थे, बहुत ईजी है। अब सेम फॉर्मेट आपको यही इसके अंदर अप्लाई करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको जो फॉर्मेट आपने दिया आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, तो आप सोचेंगे अरे यार इसमें मैंने कौन सा कलर दिया था, क्या नाम डाला था, क्या चीज़ है, की तो सब चेक करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। अब ये पूरा इसका फॉर्मेट हो चुका है कॉपी, अब जहाँ पे अप्लाई करना है उस पर आपको सेलेक्ट करके उसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं जैसा ये है वैसे ही सेम ये बन चुका है। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट का, ये जो ये होता है ना क्रिएटिविटी, फॉन्ट का
जो नेम होता है, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट किया, जो यहाँ से आपको पसंद आता है आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जो भी लेना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे वेराइटीज़ आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको जो पसंद आता है आप उस पर क्लिक करके छोड़ सकते हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको साइज़ का, जो भी साइज़ अगर आपको बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, आपने समझो ये पूरा ये सेलेक्ट कर लिया इतना रेंज, आपको ये साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से आप मैनुअली भी इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। बोल्ड में कन्वर्ट करना है तो आप इस पर बोल्ड पे क्लिक करोगे तो थोड़ा डार्क बोल्ड दिखाई देगा, इटैलिक करोगे तो आपको ये थोड़ा इटैलिक स्टाइल में टेढ़ा दिखाई देगा। नेम पे इस पर करके देखिए इटैलिक, थोड़ा अच्छे से देखिए थोड़ा इटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे तो उसके नीचे क्या आ जाएंगे, अंडरलाइंस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। बॉर्डर मतलब क्या होता है, बॉर्डर को उसमें अरेंज करना, ठीक है ना। अभी समझिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ये जो हमारा ये सेल है, ठीक है। अभी इस सेल में आपको क्या लगाना है, बॉर्डर्स लगाना है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, बॉर्डर, जैसे कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया एंड बॉटम हो गया, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने लिए राइट बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में एक ब्लैक कलर की लाइन हो गई, ये हो गया राइट बॉर्डर। उसके बाद नीचे बॉटम बॉर्डर लेना है तो यहाँ से लेंगे आप बॉटम बॉर्डर, तो नीचे बॉटम बॉर्डर आ गया। लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा एंड टॉप लेंगे तो टॉप आ जाएगा। आप देखेंगे पूरे बॉक्स पे बॉर्डर लग गया। अगर आपको डायरेक्टली पूरे एक साथ बहुत सारे रेंज को पूरा बॉर्डर लगाना है एक साथ, तो आप यहाँ से ले सकते हो ऑल बॉर्डर। ऐसे ऑल बॉर्डर लेंगे आप देख सकते हो सब में बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर निकालना है तो उसी को सेलेक्ट करो, यहाँ से आपको लेना होगा नो बॉर्डर। समझ में आया आपको गाइस, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ सेलेक्शन और ड्रैग क्या होता है। अभी देखो गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा आपने 20, यहाँ पे लिखा आपने 30, तो ये अगर मैंने बोला कि ये तीनों सेल को सेलेक्ट करो, मैंने क्या बोला, ये तीनों सेल को सेलेक्ट करो, तो ये आपका हो गया सेलेक्शन सी। ये देख रहे हो आप कैसे करने का, देखो ये जो मोटा प्लस है ना, ये मोटा प्लस जब आता है तो दैट मीन्स कि अभी सेलेक्शन का पार्ट स्टार्ट है। तो अभी ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना है ना, तो उस पर पहले क्या करने का, उस पर क्लिक करने का, क्या करने का, क्लिक क्लिक करके उस पर प्रेस करके रखने का और नीचे की तरफ माउस को खींचने का और छोड़ देने का, दैट्स इट। ये हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है ना, समझ में आपको, ये हो गया आपका क्या सिलेक्शन। अब मैंने बोला ड्रैग करके दिखाओ, तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा आपने 10, अभी यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो ये है आपका सिलेक्शन। अब ड्रैग जब भी अगर कोई बोलेगा ड्रैग करने हैं, तो यहाँ पे जैसे आप कोने में लाओगे ना, कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको देखो पतला प्लस दिखाई देगा, ठीक है, टाइनी प्लस आपको ये दिखाई दे रहा है। ये टाइनी प्लस पे आपको क्लिक करना है और उसको प्रेस करके रखना है और फिर नीचे की तरफ खींचना है, तो आप देखोगे ये हो गया आपका ड्रैग। तो सेलेक्ट और ड्रैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में, सेलेक्ट एंड ड्रैग ऑप्शन। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ड्रैग एंड सेलेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मैंने को ये एक ड्रैग में बहुत अच्छा ये भी है एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 10, नीचे लिखा 20, अब उसके नीचे आपको 30, 40, 50 अपने आप चाहिए, तो कैसे करने का वो देखो। सबसे पहले 10 एंड 20 को सेलेक्ट करो, क्या करोगे, सबसे पहले 10 एंड 20 को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, पहले 10 एंड 20 लिखा, फिर 10 पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको माउस को प्रेस करके रखना है और उसको नीचे ऐसे सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया आपका 10 एंड 20 सेलेक्ट। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे जब आपका ये टाइनी प्लस आएगा, ये हो गया आपका ड्रैग, तो उस पर आपको प्रेस करके रखना है और माउस को नीचे की तरफ खींचते रहना जहाँ तक आपको चाहिए। सी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको 20 का गैप चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखिए 20, यहाँ पे लिखिए 40, ठीक है, मतलब आपको ऐसे चाहिए कि 20, 40, 60, 80। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा 20, उसके नीचे क्या लिखना होगा 40। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आया गाइस, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आपको ना किसी के सेल का नाम जानना और उसको चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझे आपने क्लिक किया तो ये सेल का नाम क्या हो गया, बी, बी कॉलम का बी एंड 3 रो का, तो ये हो गया B3। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा B3। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया J, ठीक है, ये कॉलम का क्या हो गया J, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया ये 16, तो ये सेल का नाम क्या हो गया J16, ठीक है, कॉलम का हो गया J और रो का क्या हो गया 16, ठीक है, ये आपका कॉलम है
और ये सारे आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके रोज होते हैं और ये सारे आपके कॉलम होते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, J16। आप यहाँ पे देख सकते हो, इवन अगर आपको चाहिए ये नाम सेल को आप मिटा के कोई और नाम डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इरेज करो, जो भी नाम डालना आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नाम डाला एक्सेल और इंटर कर दिया, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे B16 पे, तो आपको यहाँ पे नाम क्या दिखाई देगा, एक्सेल, ना कि B16, सॉरी ना कि J16 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक्सेल की मेन पार्ट्स हैं, और होम टैब या कुछ भी एक्सेल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ड्रैग, सेलेक्शन एंड आपके रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, फॉन्ट कलर होता है, और ये क्या होता है, सेल्स को बैकग्राउंड कलर करना, ठीक है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया इसको फॉन्ट कलर देना है, यहाँ से जो कलर आपको पसंद आता है आप यहाँ से दे सकते हो। अब इसके बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर आपको बैकग्राउंड दिख रहा है उसको कलर करना, तो आप यहाँ से वो कलर भी जो चाहिए आप दे सकते हो, ठीक है। सी समझा, ये कलर्स के बारे में आपको, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट्स है, टॉप अलाइनमेंट्स, उसके बाद मिडल अलाइनमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे क्या है, बॉटम अलाइनमेंट, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट है, फिर सेंटर है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अलाइन राइट। तो जैसा आपको सेलेक्ट करना, अरेंज करना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पूरे सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको सेंटर में अरेंज करना है तो यहाँ पे आपने किया सेंटर, आपको लेफ्ट में करना है तो आपने किया लेफ्ट, और आपको राइट में करना है तो आपने यहाँ से क्या किया, राइट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हो, ओके। उसके बाद एक अलाइनमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं न्यू शीट में बताता हूँ आपको। ये हम जब भी एक्सेल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, और जब एंटर किया तो आप देख सकते हो इसकी अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई नंबर भी लिखते हैं, आपने लिखा 30, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे 85, तो वो कहाँ पे, राइट साइड में है ना। नाम लिखते हैं, वापस से मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कैट और एंटर किया, तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। पर आपको ना एक सिंगल अलाइनमेंट सेट करना है कि आप कुछ भी नाम लिखो, नंबर लिखो, वो सेंटर अलाइनमेंट में फिक्स होना चाहिए। कहाँ पे, सेंटर अलाइनमेंट में, वो पूरी शीट सेंटर अलाइनमेंट फिक्स होनी चाहिए। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए करना क्या आपको, बहुत सिंपल, आप पहले पूरी शीट को सेलेक्ट कर लीजिए। पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका हो गया पूरा शीट सेलेक्ट। ये पूरी शीट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन में, वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाना है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन को लेना है, सेंटर और वर्टिकल में भी आपको लेना है सेंटर, और यहाँ से कर देना है ओके। अब आप देखिए कुछ भी लिखिए, देखिए क्या होता है, आपने लिखा समझ लीजिए 12 और एंटर किया, ये देखिए सेंटर में एडजस्ट हो चुका है, कहीं और एडजस्ट नहीं होगा अभी। अब जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा कैट और एंटर किया, ये देखिए अब ये दोनों कहाँ पे, आपका ये सेंटर में, ठीक है, समझ में आया गाइस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एंगल कॉन्टर क्लॉक वाइज, एंगल क्लॉक वाइज, वर्टिकल टाइप, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन लिया, तो ये उसी हिसाब से देखिए कैट आपको ये ऐसे लिख के दिखाई देगा, ऐसे लिख के इससे करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे करेंगे तो वर्टिकल टाइप ऐसे CAT कैट हो जाएगा। तो ऐसा जो भी आपको ऑप्शन देना आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपके इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अभी सॉरी डिक्रीज इंडेंट। अभी फॉर एग्जांपल आप ये जो टेक्स्ट है इसको आपको बॉर्डर के क्लोज पे लेके आना है, तो वो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, जैसा आपको करना है ऐसे कर सकते हो। सी अगर इधर लेके आना है तो आप इधर भी कर सकते हो, ऐसे इधर लेके आना है तो आप इधर भी कर सकते हो। ये हो गया आपका राइट अलाइनमेंट इंडेंट, और ये हो गया आपका लेफ्ट में डिक्रीज इंडेंट, और ये हो गया आपका इंक्रीज इंडेंट, ओके। राइट अलाइनमेंट के साथ आता है ये, और ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में डिक्रीज इंडेंट के साथ आता है फिर, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है व्रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन एक्सेल, मैं आपको बताता हूँ ये। अभी देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे कि हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड टोटल, नेम, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, टोटल तो बराबर एडजस्ट हुआ है, अभी नेम, हिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है। ये नेम में ई छूट चुका है,
हिस्ट्री में वाई छुपा है, एस छुपा है, इसमें एच छुपा है और इसमें आई छुपा है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो सेल का जो अलाइनमेंट वो प्रॉपरली सेट नहीं है, तो आप इसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हो, नहीं तो आप ड्रैग टेक्स्ट को ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको पहले मैन्युअली करके दिखा, तो मैन्युअली कैसे करना है ना कि नेम और हिस्ट्री, अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जब ऐसा कर्जर आएगा ना, देखिए ध्यान से देखिए कैसे, जब आपका यहाँ पे ऐसा कर्जर आएगा तो आपको डबल क्लिक करना है, और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम एडजस्ट हो चुका है। वैसे आपको सबको एडजस्ट करना आप कर सकते हो, एच और ये जो आपका आई है तो इसके बीच में यहाँ पे जब ऐसी कर्जर आएगी तो डबल क्लिक करो, ये एडजस्ट हो जाएगा। सब में डबल क्लिक करो, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, तो आप देख सकते हैं ये सारा क्या हो चुका है, आपका एडजस्ट हो चुका है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो दूसरा मेथड है वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल जेड से मैं वापस जो जैसा था वैसे ही कर रहा हूँ। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में होता है क्या ना, जैसे आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो मी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बाकी का पार्ट ना वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपको मी दिख रहा है ना, जब आप यहाँ पे ना ये कर्सर को नीचे करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी। ये रैप टेक्स्ट क्या करता है ना गाइस, ये ना आपके जो सेल को ना वो जो फॉर्मेट जो क्लियर नहीं रहता ना आपका कि ई छुप जा रहा है आपका, इसमें वाई छुप जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे उसको अरेंज कर देता है, जैसे कि बाकी ऊपर का पार्ट ऊपर, नीचे का पार्ट नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी क्लिक करो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो, तो आप देख सकते हो हिस्ट्री अब अरेंज हो चुका है, आपको पूरा दिख रहा है। यहाँ पे भी क्लिक करो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, रैप टेक्स्ट एंड रैप टेक्स्ट, ये तो ऑलरेडी टोटल बराबर दिखा रहा है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है ना कि जो भी आपका जो सेल होता है वो जब अलाइन प्रॉपर नहीं होता है, उसके कुछ अल्फाबेट दूसरे सेल्स में शिफ्ट होते रहते हैं, तो आप ये रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर नीचे इसको अरेंज कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप क्या कर सकते हो लाइन के बीच में डबल क्लिक करके उसको अरेंज कर सकते हो। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक काम करते हैं हम इसको ना, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा कॉपी, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। अभी ये एक मार्कशीट है, ठीक है ना, तो अब मुझे हेडिंग में ना एक ये जो जितने भी सेल्स है, मैंने टोटल ये जो सेल्स सेलेक्ट किए मल्टीपल सेल्स, इसको मुझे एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर यही बोलता है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर मल्टीपल सेल्स इनटू अ सिंगल सेल देन यू हैव टू अप्लाई मर्ज एंड सेंटर। तो अभी आपको क्या करना है, ये मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये मर्ज एंड सेंटर पे जाके यहाँ से लेना है आपको मर्ज एंड सेंटर। अब आप देख सकते हो ये सिंगल सेल बन चुका है ना। अब आप इसके अंदर क्या लिखोगे, मार्कशीट, और इंटर कर दोगे। आप इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, डिज़ाइन डिज़ाइन जैसी रखें आप कर सकते हो, जितना साइज बड़ा करना है वो भी कर सकते हो, जो कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जो रखना है आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हो, ठीक है। इसको भी बॉर्डर देना है तो आप इसको भी बॉर्डर दे सकते हो, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से ले लो आप ऑल बॉर्डर, तो ये भी बॉर्डर में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा मर्ज एंड सेंटर का यूज़ क्या। अगर आपको इसको अनमर्ज करना है तो आप अनमर्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको लेना है अनमर्ज सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबरिंग फॉर्मेट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरल फॉर्मेट बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेट होता है। अभी देखिए इसका यूज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ना मैंने ये कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, और कुछ सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंटेज का, ये जो फॉर्मेट है ना वो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। अब कभी भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के 50 करके एंटर कर रहा हूँ, तो मैं बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, ये अपने परसेंटेज का साइन आ जा रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी भी अगर आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है सेल्स के अंदर, कोई फॉर्मेटिंग हो रही है, तो ये सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करो, उतने पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जनरल का, उस पर आप क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो सारे सेल्स वो नॉर्मल जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जब आप इसको डिलीट करके 50 लिखने की कोशिश करोगे और एंटर करोगे तो वो आपका 50 ही आपको दिखाई देगा। समझ में आया क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेना है आपको, जनरल का। जनरल क्या करता है, आपको सारे फॉर्मेट्स आपके क्लियर कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेल में दो शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि एक है डेट के लिए और एक है टाइम के लिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि अगर आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए, आपको जानना है कि आज की डेट क्या है, वो एक्सेल में आ जानी चाहिए, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ठीक है। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम और एंटर प्रेस करना। जैसे ही कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करके आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो आज की डेट यहाँ पे आ चुकी है। अब ऐसे अगर आपको टाइम चाहिए, करेंट टाइमिंग क्या चल रहा है वो जानना है, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम और एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स 255। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका जो शॉर्टकट की CTRL प्लस आपका ये जो सेमी कॉलम है ना वो आपको प्रेस करना है, ठीक है। और इसका क्या है शॉर्टकट की आपका टाइम का, CTRL प्लस शिफ्ट एंड प्लस सेमी कॉलम, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टाइमिंग क्या क्या है आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम एंड डेट का क्या है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो करेंट टाइम है वो आ जाएगा। अब ये जो डेट है ना गाइज, ये डेट को आपको ना लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए कि मंडे एंड जो मंथ चल रहा है सेप्टेम्बर, वो सब लिख के आ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डेट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको लॉन्ग डेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 21 सेप्टेम्बर 2020। आप इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से शॉर्ट डेट लेना है तो वो आप इसे शॉर्ट डेट में क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कोई करेंसी आपको चेंज करनी है, यहाँ पे आपने लिखा 10, यहाँ पे लिखा आपने 20, अब मैंने आपको बताया था नीचे 30-40 चाहिए, तो कैसे करने का, इन दोनों को सेलेक्ट करने का, यहाँ से ड्रैग कर देने का। अब इसमें आपको क्या चाहिए कि इसमें करेंसीज आपको ऐड करने, तो यहाँ से आपको करेंसीज का ऑप्शन मिलेंगे, रुपीज़ लेंगे तो यहाँ पर रुपीज़ आ जाएगा, डॉलर लेंगे तो डॉलर आ जाएगा, यूरो लेंगे तो यूरो आ जाएगा, चाइनीज़ येन लेंगे तो चाइनीज़ येन आ जाएगा। तो जैसा आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये डॉलर साइन आपका आ जाएगा, नॉर्मल चेंज करना है तो जनरल पे जाएं तो नॉर्मल हो जाएगा। परसेंटेज का साइन चाहिए आपको तो परसेंटेज का साइन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे परसेंटेज के साइन आ जाएंगे। उसके बाद कॉमा का सिस्टम तो आपको पता ही होता है क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने हमेशा ये 10,500, ठीक है। तो 10,500 में 10,500 होता है, जब आप लिखते हैं तो वो आता नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा 10,500 तो आप देख सकते हैं कि कॉमा आ नहीं रहा है, तो 10 उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, तो लगा दीजिए तो ये हो गया 10,500। पर आपने बोला कि ये डॉट के बाद 200 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमको निकालना है, वो हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप जितना बार ये क्लिक करोगे इतने जो एक्स्ट्रा जीरो है, जो एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, तो वो सारे अपने आप रिमूव होते रहेंगे। सी यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखो रिमूव हो गया। वापस अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे, इंक्रीज करोगे, तो वो बढ़ता रहेगा, यहाँ से रिमूव होता रहेगा। समझ में आएगा ये आपको, ठीक है। तो ये था आपका, ये नंबरिंग फॉर्मेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है गाइस। ओके, तो ये होम टैब का एक फर्स्ट पार्ट था 2019 का, जिसमें मैंने मुझे आपके ये जो टोटल टॉपिक्स थे यहाँ से लेकर नंबरिंग फॉर्मेट्स था वो मुझे कवर करने थे, जो बेसिक इसके अंदर जो आपको यूज़ हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम यहाँ से लेकर ये पूरा जो एंड तक का है वो पूरा पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें कि आपको ये सेकेंड पार्ट चाहिए, तो मैं आपका ये जल्द से जल्द इसका सेकेंड पार्ट का भी वीडियो क्रिएट कर दूँगा। तो होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट्स एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।